मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे रहकर मजदूरी और भीख मांगकर जीविकोपार्जन करने वाली मां के बगल में सो रहे नवजात बालक को मोटरसाइकिल सवार आज सुबह लेकर भाग निकले। कोतवाली कटरा में नवजात बालक की मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। सोनभद्र जनपद के थाना बीजपुर निवासी ने फिटकरिया पत्नी चंदन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रहकर दो वक्त की रोटी की जुगाड़ करते हैं। मजदूरी न मिलने पर भीख मांगकर जीविकोपार्जन करते हैं। आज सुबह मां अपने नवजात बेटे के साथ सो रही थी। भोर में रेलवे स्टेशन मिर्जापुर स्थित सुलभ शौचालय के पास से उसका 5 माह का बच्चा उठाकर भाग गए। कोतवाली कटरा में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंदन। स्टेशन में थे आप लोग, क्या है बताइए? स्टेशन में साहब रहे, दिन भर काम की, सो गए, आधा पौड़ा दारू पी रहे, सो गए। इसके बाद हमारी औरत जग रही थी, बच्चा बीच में था, लड़की साइड में सो रही थी। वहाँ से जो बाइक वाला बच्चा उठा के जबरदस्ती ले गए, वहाँ से दौड़ाए भी बच्चा और औरत भी साथ। और इतने में हम तो सो गए रहे थे, फिर बाद में औरत हमारी आई तो हमको जगाई, तब लोग देखे तो साहब वो निकल चुका था। जी सर, रेलवे स्टेशन से बच्चा गया का मामला है, क्या है पूरा मामला? यह रेलवे स्टेशन परिसर की सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन परिसर में जो है, जो बीती रात है भोर के टाइम पे जो है, एक 5-6 महीने का बच्चा है, वो सब लोग रेलवे परिसर के अंतर्गत ही उसके बच्चे के परिवार के लोग सो रहे थे, और कोई 2 बाइक सवार जो है आए हैं और 5-6 महीने के बच्चे, सोते हुए बच्चों को लेकर के चले गए हैं, भाग गए हैं। तो सर, इस मुकदमा सर पंजीकृत किया गया? हाँ, परिजन से पूछताछ कर, बातचीत कर, और मामले की जांच की जा रही है और उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।